आईसीसी वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान ने किया क्वालिफाई, अब एक किस्तान की होगी लड़ाई, कई बड़ी टीमों के बीच होगी लड़ाई। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप साल 2023 भारत में आयोजित होना है, इसको लेकर तमाम टीमें अपनी कमर कस चुकी हैं। और आपको बता दें कि लगातार कई बड़े टीमों के बीच टक्कर भी देखी जा रही है। आईसीसी ने साल 2021 से 23 के बीच तमाम टीमों के बीच खेले गए वनडे मुकाबले वनडे सीरीज को आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट सुपर लीग के तहत आयोजित करवाया, जिसके तहत तमाम टीमें जो आपस में मुकाबले खेल रही थी उनके बीच क्वालिफाई की रेस देखने को मिली थी। आपको बता दें कि भारत इस आईसीसी वर्ल्ड कप का मेजबान होगा, यानी कि वहां आयोजित होगा, इस वजह से भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। इसके अलावा भी कई टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। कुल 8 टीमें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में खेलते हुए नजर आएंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप से जुड़ी एक खबर और सामने आई है, जिसके तहत अफगानिस्तान की टीम ने भी आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर क्वालिफाई कर लिया है। अब आपको बता दें कि ये बड़ा क्यों माना जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसी तमाम दिग्गज टीमें अभी भी रेस में बनी हुई हैं और अफगानिस्तान की टीम ने क्वालिफाई करके सभी को चौंका दिया है। बता दें कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में पहली पारी का पूरा खेल हुआ, इसके बाद जब दूसरी पारी की शुरुआत हो रही थी तब लगातार बारिश शुरू हो गई, इसके कारण से मुकाबले को रद्द करना पड़ा और मुकाबले के रद्द होने के कारण अफगानिस्तान की टीम को 5 अंक मिले, जिसके तहत टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब आईसीसी की वर्ल्ड कप टीमों में 7 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और एक टीम का स्थान खाली है, इसमें भी कई बड़ी टीमें टक्कर में हैं। अब आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम को क्वालिफाई करने के लिए आगामी 4 बचे वनडे मुकाबलों को जीतना होगा। साउथ अफ्रीका की टीम भी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए अपने 5 मैच जीतेगी, तब जाकर वह क्वालिफाई कर पाएगी। वेस्ट इंडीज के लिए भी यही समीकरण होगा। जो टीमें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, मुकाबले खेलती हुई नजर आएंगी, उनकी बात करें तो भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। भारत 134 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुका है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने 125 अंकों के साथ क्वालिफाई किया है। न्यूजीलैंड की टीम ने 125 अंकों के साथ क्वालिफाई किया है और नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसके 120 अंक हैं और क्वालिफाई कर चुकी है। 5 नंबर पर बांग्लादेश है, जिसने 120 अंकों के साथ क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान के भी अंक 120 हैं और वह 6 नंबर पर है और उसने क्वालिफाई किया है। और अब 7वीं टीम बनी है अफगानिस्तान, जिसने 115 अंकों के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसे में वेस्ट इंडीज जो कि इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है, आयरलैंड 9वें नंबर पर है, श्रीलंका 10वें नंबर पर है और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम 11वें नंबर पर है, वे सभी रेस में बनी हुई हैं। बता दें कि अब केवल एक टीम और होगी जो क्वालिफाई करेगी और ऐसे में इन सभी बड़ी टीमों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें कि अगर वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो वह टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक बार वनडे वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई ना करने वाली टीम बनेगी। बहरहाल क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अफगानिस्तान ने तो सभी को चौंका दिया है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।